बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी किस्म के टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी किस्म की NTS की, GAT की या कुछ भी, आप किसी भी साइकोलॉजी के टेस्ट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट आपकी साइड लर्निंग के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको ओवरऑल साइकोलॉजी की जितनी भी थ्योरीज हैं उनके फाउंडर के नेम और उन थ्योरीज जो हैं वो कौन सी कैटेगरी में लाई करती हैं और कौन कौन से डोमेन से बिलोंग करती हैं ये तक बताऊंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो को लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है और इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारी डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी में कौन कौन सी डोमेन्स आती हैं जिनमें थ्योरीज जो हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं। सबसे पहले जी लर्निंग थ्योरीज, फिर उसके बाद साइको एनालिटिकल थ्योरीज, चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरीज, कॉग्निटिव अप्रोच, सोशल साइकोलॉजी, साइको पैथोलॉजी, बायोलॉजिकल अप्रोच, ह्यूमनिज्म, पर्सनैलिटी, मेमोरी, न्यूरोसाइंसेस, क्रिमिनोलॉजी एंड सोशोलॉजी, ठीक है। ये हैं जी साइकोलॉजी की डोमेन्स और इंशाल्लाह ताला हम इन सब की जो थ्योरीज हैं उनको कवर करेंगे। यानी कि कवर क्या करेंगे, मतलब मैं आपको नेम्स बताऊंगी और उसके साथ हम उसके फाउंडर के नेम भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये जो है वो मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है एसोसिएशन करके क्वेश्चन आते हैं अक्सर PPSC में, FPPS में, इसके अलावा NTS के, GAT में, मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ों में ये आते हैं। तो ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारा जो एस्पेक्ट है वो है जी लर्निंग थ्योरीज़ का। अब हम लर्निंग थ्योरीज़ की तरफ सबसे पहले आते हैं। जी लर्निंग थ्योरीज़ में जो है वो बेसिकली ये एजुकेशन साइकोलॉजी में भी आ सकती हैं, इसके अलावा लर्निंग में भी आ सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले जी बिहेवियरिस्ट अप्रोच थी जो कि JB वॉटसन ने दी थी, ठीक है। ये एक थ्योरी उसमें दी थी कि हम जो है वो बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जी क्लासिकल कंडीशनिंग हम सबको पता है एवन पेपलन ने दी थी। फिर लिटिल एल्बर्ट का एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जो कि JB वॉटसन और रेनरी यानी कि उनकी वाइफ ने उनके साथ किया था। फिर पेवलोव डॉग का था जो कि एवन पेपलन ने किया था, ठीक है। उसके बाद जी एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा काउंटर कंडीशनिंग का। काउंटर कंडीशनिंग यानी सिस्टमेटिक डीसेनेटाइजेशन जो है, इसका कॉन्सेप्ट या इसकी थ्योरी किसने दी थी, तो जी वुल्फ ने दी थी, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग हमें पता है BF स्केनर ने दी थी। फिर जी सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी जो थी वो एल्बर्ट बंडोरा ने दी थी। इसके अलावा जी बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट हुआ था जो कि एल्बर्ट बंडोरा ने ही क्या किया था, सजेस्ट किया था या उन्होंने ही कंडक्ट किया था, ठीक हो गया जी। उसके बाद चलते हैं हम डेवलपमेंटल या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में कौन कौन सी थ्योरीज हैं, सबसे पहले हमारे पास अटैचमेंट थ्योरी आती है जो कि जॉन बाउलबे ने लिखी थी। उसके बाद जी नेक्स्ट है द स्ट्रेन सिचुएशन जो कि मैरी एनविनसन वर्थ ने दी थी, ठीक है। उसके बाद पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो कि जीन पियाजे ने सजेस्ट किए थे। उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो कि वीगॉट स्काई ने दी थी या सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट था, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो था वो ब्रनर ने दिए थे। साइको सोशल डेवलपमेंट या साइको सोशल स्टेजेस जो थी वो एरिक एरिक्सन ने दी थी। मॉरल डेवलपमेंट के बारे में कोहल बर्ग्स ने बात की थी। इसके बाद बॉर्न फर्नर इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी जो थी वो यूरी बॉर्न फर्नर ने दी थी, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो है वो साइको एनालिटिकल अप्रोच है। आपको याद होना चाहिए कि साइको एनालिटिकल अप्रोच जो है वो सिगमंड फ्रॉयड ने दी थी और बेसिकली ज़्यादातर काम सिगमंड फ्रॉयड ने ही इस अप्रोच में किया है, ठीक है जी। सबसे पहले उन्होंने साइको डायनामिक अप्रोच की बात की थी। फिर जी उन्होंने इड ईगो सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट दिया था। अनकॉन्शियस माइंड के बारे में जो भी थ्योरीज थी वो इन्होंने दी थी। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में सिगमंड फ्रॉयड ने बात की थी। डिफेंस मैकेनिज्म जो कि 10 डिफेंस मैकेनिज्म है ये भी सिगमंड फ्रॉयड ने सजेस्ट किए थी। फिर जी साइको सेक्शुअल स्टेजेस थ्योरी जो थी वो भी सिगमंड फ्रॉयड ने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसके अलावा जी साइको एनालिसिस थ्योरी जो थी वो भी सिगमंड फ्रॉयड ने ही सजेस्ट की थी, ठीक है जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि इसके अलावा किन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन की थी। अच्छा, अब इस वीडियो में आपको दो चीज़ें जो हैं वो मिल रही हैं। एक कि आपको पता चल रहा है कि कौन सी थ्योरी किस बंदे ने सजेस्ट की थी, दूसरा पता चल रहा है कि कौन से जो लोग हैं वो कौन सी कैटेगरी से कौन से डोमेन में आते हैं। तो इससे आपकी दो तरह से तैयारी हो रही है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है जी। अच्छा जी, साइको एनालिटिकल अप्रोच की बात करते हैं तो जी थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी एंड एडेलियन थेरेपी जो थी वो एल्फर्ड एल्डर ने दी थी, ठीक है। साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी एरिक एरिक्सन ने दी थी। ऑब्जेक्ट रिलेशन थेरेपी जो थी या थ्योरी जो थी वो मेलन केल्विन ने दी थी,
उसके बाद जी थ्योरी ऑफ लिबिडो जो थी वो कार्ल यांग ने दी थी, ठीक है, कार्ल यांग कहते हैं इसको। इसके अलावा जी थ्योरी ऑफ अनकॉन्शियस भी कार्ल यांग ने दी थी, द कलेक्शन ऑफ अनकॉन्शियसनेस भी कार्ल यांग ने दी थी, और यांग आर्क्योटाइप जो थी ये भी कार्ल यांग ने दी थी, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट अप्रोच की तरफ जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के सबसे पहले फाउंडर कौन है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी के फाउंडर जो थे वो नीसर थे, ठीक है। कॉग्निटिव अप्रोच नीसर ने डेवलप की थी, ठीक है। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी आई थी जो कि जॉर्ज मिलर ने दी थी, ठीक है। टॉप डाउन प्रोसेसिंग थ्योरी जो थी वो रिचर्ड गॉर्की ने दी थी। फिर बॉटम अप प्रोसेसिंग जो थी वो ई.जी. गिब्सन ने दी थी, ठीक हो गया जी। जनरल इंटेलिजेंस थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हमेशा, चार्ल्स एडवर्ड यानी कि सी.ई. स्पर्मन ने दी थी, ठीक हो गया जी। उसके बाद मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो थी वो हार्वर्ड ग्रिडनर ने दी थी, ठीक है। उसके बाद फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जो थी वो रिमाउंड बे कैटल ने दी थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ये आपने हमेशा याद रखने, ठीक है। इम्प्लिसिट और अनकॉन्शियस बायसेस जो था वो किन्होंने दी थी? ये दो बंदों ने दी थी, ठीक है। एक मेजरेन बेंजे और उसके अलावा एंथनी ग्रीनवर्ड ने दी थी, ठीक है जी। उसके बाद जी स्कीमा थ्योरी जो है वो दी थी फ्रेडरिक बेटरलेट ने, ठीक है। होलो इफेक्ट जो था वो एडवर्ड थ्रॉन्डेक ने दिया था। अकोमोडेशन और असेमिलेशन हमें सबको पता है जीन पियाजे ने दिया था। इसके अलावा जी कॉग्निटिव बायसेस एक थ्योरी है जो कि एमस ट्रिविक्सकाय और डैनियल किशोनमान ने दी थी, ठीक है। उसके बाद अनकैनिंग वैली एक थ्योरी है जिसको मेसेरियो मेरो ने दी थी, ठीक है जी। मैगर्क इफेक्ट जो है वो हैरी मैगर्क ने और इसके अलावा जी जॉन मैकडोनल ने दी थी, ठीक है जी। उसके बाद कन्फर्मेशन बायसेस थ्योरी थी जो कि पीटर वॉटसन ने दी थी, ठीक हो गया। उसके बाद सेल्फ सर्विंग बायसेस जो था वो फ्रिट्स हिडर ने दिए थे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, हमारे नेक्स्ट हैं जी फ्रेमिंग इफेक्ट था जी डैनियल कैनेशमैन ने दी थी और एनिमस ट्रिक्विसन। इसके अलावा भी पहले भी हम पढ़ चुके हैं, इन्होंने एक और भी काम किया था, ठीक है। फ्रेमिंग इफेक्ट और कॉग्निटिव बायसेस इन दोनों बंदों ने सजेस्ट की थी, ठीक हो गया। इसके अलावा जी सिलेक्टिव अटेंशन जो थी थ्योरी वो किन्होंने दी थी? जॉन बाउल बे ने दी थी, ठीक है। विजुअल परसेप्शन थ्योरी जो थी वो जॉनसन कैल्पर ने दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जी स्पेयर वर्थ हाइपोथेसिस जो था वो एडवर्ड स्पेयर और जिमम बर्थ ने दी थी, ठीक है। ओके जी, ये थी जी आज की वीडियो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो है वो नेक्स्ट डोमेन्स को डिस्कस करेंगे, तो इन सीरीज़ को आपने ज़रूर देखना है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जाने से पहले मेरा चैनल ज़रूर 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 सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।